हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किल स्विच लगाने वाले हैं। तो वो कैसे लगाना और क्या क्या यूज़ होने वाला है, तो आज हम ये ब्लॉग में देखेंगे। तो ये ब्लॉग अभी कंटिन्यू करते हैं और किल स्विच लगा के उसका यूज़ देखते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएगा। तो गाइस, ये और फाइल मिनी फाइल है और स्विच यूज़ होने वाला है, तो मैंने स्विच ले लिया। ये मुझे 20 रुपीज़ का मिला आफ्टर स्टोर से। और ये वायर कटर है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था। और ये वायर थोड़ा जो एडिशन अपना ऐड करने वाले, इसके लिए वायर है। तो सो गाइस, अभी ये बटन अपने को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे एक इसके साइज़ का कटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद अपन लोग ये इंस्टॉल कर देंगे। तो इसका साइज़ मैंने ऑलरेडी ले लिया, इसके साथ एक क्लिप आता था, तो एक क्लिप का साइज़ मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो अभी इसको कटिंग करने के लिए मैं मार्क करूँगा, तो उसके पहले अपने को ये सब खोलना पड़ेगा मेरा हेड। तो ये दो ये हो गया, ये स्क्रू हो गया और ये स्क्रू और ये और इधर के ये नेक के नीचे एक है और उस और इधर एक साइड है ये वाला साइड। तो यहाँ पे का भी नट अपने को खोलना पड़ेगा, उसके बाद मिरर भी निकालना पड़ेगा, तो ही हेड निकलेगा। ये मिरर का यहाँ से ही और ये दूसरा एक यहाँ पर, तो ये सब खोलने का अपना हेड अलग हो जाएगा। तो प्लायर से मैं इसको खोल देता हूँ हल्के से, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूज़ किया हूँ, तो इसीलिए इसको नॉर्मली खुल गया है। अभी इसको भी खोल देते हैं, ये खुल रहा है, तो ये खुल रहा है। अब इसको खोलने के बाद मेरे को वो राइट हैंड साइड का भी, लेफ्ट हैंड साइड का है तो राइट हैंड साइड का भी खोलना पड़ेगा। ये राइट हैंड साइड पर आ गया हूँ, तब ये राइट हैंड साइड का अपने को ओपन करना है। तो ये भी थोड़ा टाइट है, हाँ ये भी खुल गया है अभी। तो इसको अभी निकाल लेते हैं, थोड़ा और लूज़ करके हाथ से घुमा दूँगा। तो ये और थोड़ा लूज़ कर देता हूँ, ये हो गया। इसको रिमूव कर निकाल देता हूँ, टर्न करते हैं। तो ये टर्न कर देंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड से घुमाना है। तो ये एक तो निकल गया, अब दूसरे की बारी, दूसरा भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में घुमाना पड़ेगा। तो ये भी खोल गया, खुल गया। अब मेरे को हेड ओपन करना है, तो मैंने ये पहले आपको बताया था कि ये 6 स्क्रू निकलना है। तो ये एक पहला हो गया, पहला स्क्रू निकालने के बाद फिर अपने को 5 स्क्रू निकालने के बाद अपना हेड अलग हो जाएगा। तो अभी ये स्क्रू निकाल रहा हूँ, गाइज मैंने सारे स्क्रू खोल दिए हैं और मेरा हेड भी अलग हो गया। मैंने हेड यहाँ पे रखा हूँ, तो उसको अभी अपने को यहाँ पे कटिंग करने के लिए तो अपने को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, बिकॉज अंदर हाथ फाइल बिल से सब उसको क्लियर करने के लिए अपने सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया और ये कटिंग ऑलरेडी मार्किंग किया था, तो अभी ये कट कर रहा हूँ। तो ये कटिंग साइज इतना कुछ है, मेरा ब्लेड टूट गया। उसको अभी ब्लेड्स ऑलरेडी मैंने मार्क किया था, कटर से जो कट कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी 2 साइड से कट किया था, इसलिए नॉर्मली बाकी है तो मैं वो कट कर रहा था। अभी ये कटिंग हो गया, थोड़ा बाकी है तो वो भी कट कर देता हूँ। और इसके बाद अपन स्विच अपना अपने उसके अंदर लगा के देखेंगे कि परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। तो अब इसको कटिंग करते हैं और ये थोड़ा सा बाकी है, ये हो गया। सो इसको पीछे से निकालता हूँ, ये निकल गया। तो गाइस मैंने प्रॉपर साइज लेके काटा हूँ, तो अभी ये प्रॉपर बैठना चाहिए, थोड़ा फाइल से घसना पड़ेगा अपने को। अभी स्विच लगा के देखता हूँ, मैंने स्विच जो है थोड़ा टाइट जा रहा है, ज़्यादा टाइट जा रहा है, बिकॉज इस स्विच के पीछे ऑलरेडी 2 लॉक रहते हैं, तो वो ज़्यादा टाइट जा रहा है तो मेरा स्विच बैठा। तो फाइल से मैं अब इसको लेवल करूँगा, थोड़ा जो ब्रशेस है उसको प्लेन कर दूँगा, और उसके बाद बटन स्विच का जो स्विच है वो अपन इंस्टॉल कर देंगे वहाँ पे। उसको फाइल से घसते हैं थोड़ा, तो लाइटली घसो, क्योंकि ज़्यादा घसने बटन ढीला हो जाएगा तो कुछ काम का नहीं रहेगा, फिर वो वेस्टेज जाएगा पूरा, इतना कटिंग किया भी अपना पूरा वेस्टेज हो जाएगा। तो ये भी मैं स्विच लगा के देखता हूँ कि प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं अभी भी। और ये
इसको लगाते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर बैठा है कि नहीं। गाइस इसको पुश करता हूँ थोड़ा और अंदर, और ये परफेक्ट बैठ गया। ये परफेक्ट मैंने फाइल से परफेक्ट किया, लाइटली घसा चारों साइड थोड़ा थोड़ा, तो बैठ गया अंदर। अब परफेक्ट वर्क भी हो जाएगा इससे और हिलेगा भी नहीं। तो गाइस मैंने फेयरिंग भी खोल के साइड में रख लिया, क्योंकि फेयरिंग को खोलना ही पड़ेगा मेरे को वायर का कनेक्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ पे इग्निशन कॉइल पर भी इग्निशन है जो इग्निशन से कनेक्ट करने वाले हैं डायरेक्ट। तो अपने को इग्निशन ओपन करके जो इग्निशन का हुआ प्लस है मतलब ब्लू रेड, तो रेड को कटिंग करना है। ये रेड है और उसके बाद में ब्लैक कलर का माइनस है, तो रेड को कटिंग करना पड़ेगा दो हिस्से में। तो मैंने ऑलरेडी स्विच को दो वायर एक्सटेंड करके बड़ा करके चीसी तक ला लिया हूँ फेयरिंग के चीसी तक। तो अभी अपने को ये स्विच का जो रेड वायर है वो अपने को कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद अपने एक टर्मिनल जो कटिंग किया तो दो कटिंग को ज्वाइन कर देंगे। तो ऑलरेडी मैंने कट कर लिया हूँ, अब इसको छील के टेप इसको छीलूँगा और टेप लगा दूँगा और आपको दिखा दूँगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस जब इसको कनेक्ट करते हैं दोनों टर्मिनल जो मैंने काटा था इसको भी जो ऊपर का कवर, तो गाइस अभी मैंने ज्वाइन कर दिया और टेप भी लगा दिया अच्छे से प्रॉपर। तो अभी ये स्विच को मैं जो खोला था उसको अभी लॉक कर देते हैं वापस। ये लॉक करने के बाद फिर इसका वर्किंग देखेंगे, वर्किंग प्रॉपर है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से वर्किंग प्रॉपर है। और मैंने डायरेक्ट इग्निशन में क्यों लगाया वही बताया, बिकॉज ये वायर जो है डायरेक्ट इतना शॉर्ट मेरे को मिल जाएगा। और बाकी का अभी स्टार्ट करके देखते हैं कि वर्क कैसा हो रहा है। क्यों लगाया, स्विच ऑफ है, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा, स्विच ऑन किया, स्टार्ट मेरा स्विच वर्क कर रहा है जो मैंने प्रॉपर लगाया है। ऑफ कर सो गाइज अभी मैंने किल स्विच इंस्टॉल कर दिया हो और फेयरिंग भी मेरा जो खोला था मैंने वो भी बंद कर दिया और प्लस हेड भी जो ओपन किया था मैंने वो भी फिट कर दिया। तो अभी बात आती है किल स्विच की। तो मैंने किल स्विच डायरेक्ट इग्निशन पे क्यों लगाया, बिकॉज अपने इंजन ऑफ करना है बाकी कुछ नहीं, बस कि इंजन ऑफ करना था मैंने ये। बाकी के वीडियोज़ में कैसे कि इग्निशन कॉइल पे जाओ तो फिर उसके लिए बूट खोलना पड़ता है, फेयरिंग पूरा खोल के पूरा नीचे चेसी से लेके पूरा पीछे तक इंजन तक आना पड़ता है, इसलिए मैंने अपने को झंझट मारी नहीं लगा। सिर्फ शॉर्ट में एकदम इजी वे 10 से 5 मिनट के अंदर आपका किल स्विच लग जाएगा, तो मैंने वही सोच के बनाया बस। थैंक यू गाइज, आपने वीडियो देखा और इतना समय वेस्ट करके अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखा, तेरे लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना।